जहाँ पर हम खुद भी खेला करते थे और काफ़ी मज़ा आता था। आप लोग मेरे पीछे देखें, यहाँ से सिर्फ ढक्कन उठाया और पानी बहना स्टार्ट। Assalamualaikum, welcome to the new vlog. So guys, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आज से 2 महीने पहले गया हुआ था, और गर्मी आज कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बादल है। गर्मी आज इतनी ज़्यादा नहीं है और बादल आए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बागात की तरफ चला जाऊं और वहाँ की जो खूबसूरती है वो आप लोगों को दिखाऊं। और 2 महीने पहले जो व्यू थी वो कैसी थी और अभी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो कैसी होगी। जी तो भाई साहब, ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये आज से तकरीबन अगर मैं गलत ना हो तो 7-8 महीने पहले यहाँ पर एक खूबसूरत सा ग्राउंड हुआ करता था, और ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये, और जहाँ पर हम खुद भी खेला करते थे और काफ़ी मज़ा आता था। ये पूरा सा ग्राउंड था जो काफ़ी खुला था, मतलब लंबा था, फ्रंट एंगल से काफ़ी लंबा था, और हम यहाँ पर जब छोटे थे तो हम यहाँ पर आते थे सबक पढ़ने के बाद। जब मदरसे की छुट्टी हो जाती थी तो हम मदरसे की छुट्टी होने के बाद यहाँ पर आते थे अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पर जो है क्रिकेट खेलते थे और टेनिस खेलते थे, और जितने भी जो उस टाइम के खेल हुआ करते थे वो हम सब खेलते थे। ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, खूबसूरत सा नदी है, दरिया है, लेकिन हम इंसानों की वजह से ये जितने भी जो नेचुरल ब्यूटी है इसको हमने खुद ही पूरी तरह से इफ़ेक्ट किया हुआ है। और ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, 1000 ऑफ प्लास्टिक्स, पॉलीथीन के जितने भी जो बैग्स होते हैं वो आप लोगों को मेरे हर व्लॉग में नज़र आएंगे। ये मेरे पीछे आप रास्ता देख सकते हैं, ये मेन रोड की तरफ जाता है ये रास्ता, और इस साइड पर यहाँ के जितने भी जो मकीन हैं, जितने भी जो गाँव वाले ये घर सब उनके, और इस साइड पर ये आप लोग पीछे देख सकते हैं इसके इस साइड पर वो सामने अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो वो पुल, हम उस पुल से उस साइड पर जाएंगे, और इस दरख्त के पीछे वहाँ तक जाएंगे हम आज। चलते हैं अभी। आप लोग मेरे पीछे देखें, गौर से देखें, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी तफसील से बताऊंगा। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 2 माह पहले या मे बी 3 माह पहले मैंने एक व्लॉग में बताया था कि हमारे गांव में जितने भी जो खेत होते हैं उनको सिराब करने का, उनको पानी देने का एक अच्छा और वो क्या कहते हैं कि एक आसान सा तरीका राइज हुआ है। मैं आप लोग को करीब से दिखा देता हूँ। पानी देने का बहुत आसान तरीका है ये। ये मैंने आप लोग को 2 महीने पहले एक व्लॉग में बताया था कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा। फ़र्ज़ करें इस किसान ने अपने खेत को पानी देना है, सो वो क्या करेगा, इसके लिए बहुत आसान तरीका है ये। वो किसान इस यहाँ से इस ढक्कन को उठाएगा और पानी इस किसान की खेत की तरफ बहना जो है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहले ज़माने में जो होता था वो काफ़ी मुश्किल था, यहाँ से सिर्फ ढक्कन उठाया और पानी बहना स्टार्ट, और पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, ये मिट्टी का एक ढेर पानी के सामने रखा जाता था और पानी बंद, और जब किसान के खेत को पानी देने का वक्त आता था तो ये मिट्टी का जो ढेर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसको हटाकर, और मुश्किल से इसको हटाकर जो है पानी अपने खेत की तरफ बहना जो है स्टार्ट हो जाता था। लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं, ये जदीद दौर का एक जो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा एक सहूलत है किसान भाइयों के लिए। Now,
काफ़ी गर्मी स्टार्ट हुई है, काफ़ी गर्मी, कराची जैसा मौसम है यहाँ पर। अब कोई बात नहीं, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए कि गर्मी क्यों आई है, ये वो बला बला, क्योंकि ये एक नेमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारा पाकिस्तान मुल्क ही इस नेमत से ब्लेस्ड है, और दूसरी कंट्रीज़ को अगर देखा जाए तो वहाँ पर कहीं पर ज़्यादा गर्मी तो कहीं पर ज़्यादा सर्दी, जैसे कि तुर्की, और गर्मी वाला जो बड़ा एग्जांपल है वो साउथ अफ्रीका है। तो ये हमारा पाकिस्तान ही है जो ब्लेस्ड है चार मौसमों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल तो भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर। सो आज का जो व्लॉग है इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में हमारी मुलाकात होगी। फिर तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली का और उससे बढ़कर अपनी सोसाइटी मेंबर्स का बहुत सारा ख्याल रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I promise not to break you. I promise.